सो है गाइस, आ गए एक और नए कमाल के कॉन्सेप्ट को लेके। तो गाइस, आज के जो वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग, जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी स्टेप में है और इसे इस टाइप का PNG एडजस्ट करके बहुत ही कम टाइम में इस टाइप का एडिटिंग में सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को एडिटिंग समझ में आएगा और आप लोग भी कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा रियली फोटो है, तो इस फोटो को मैं कुछ इस टाइप से एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये रियली फोटो है, तो इसको शेयर कर लेना आपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे बता रहा हूँ सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा और मैं जो PNG का यूज किया हूँ उस सब PNG का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, फाइनली फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद आप लोग क्या करना होगा, कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और मिक्स टूल पे क्लिक कर देना है, और सबसे पहले फर्स्ट में ग्रीन टोन को सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन पूरा माइनस कर देना है, और इसका बगल में आप लोग येलो टोन को सिलेक्ट कर लेना है और इसका भी सिचुएशन पूरा फुल माइनस कर देना है, और उसके बाद से आप लोग फर्स्ट में रेड टोन को सिलेक्ट कर लेना है, इसका सिचुएशन उसको पूरा फुल कर देना है, और उसके बाद से आप लोग ऑरेंज टोन को सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन डाउन कर देना है और लुमिनेंस को पूरा फुल कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हो जाना, इसको डन कर देना है, और उसके बाद से आप लोग को लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से इसका ब्लैक है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, और उसके बाद से शैडोज को भी थोड़ा सा डाउन करना है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, और इतना हो जाने बाद गाइस आप लोग को डिटेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका शार्पनिंग है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ताकि फोटो और भी ज़्यादा क्वालिटी में हो जाए और भी ज़्यादा HD में हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में सिर्फ इतना ही करना है, और उसके बाद इस फोटो को शेयर कर लेना है अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। वहाँ पे क्या होगा कि इस फोटो को फेस स्मूथ होगा, इस फोटो को शेयर कर लेना अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, फोटो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ जाने वैसे आप लोग क्या करना है, तो ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सिलेक्ट कर देने के बाद आप लोग को सेम यही सेटिंग कर लेना है, और सेटिंग हो जाने के बाद से आप लोग क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग को ब्रश को एडजस्ट करके और सिर्फ स्किन पे अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बाल पे यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने स्किन पे ऐसे करके अप्लाई करना है। तो ऐसे ही आप लोगों को सेम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, और अभी तक फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ऐसे ही करके अपने फोटो को स्मूथ कर लेना है और इसको सिर्फ स्क्रीन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे ब्रश से चलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, तभी आप लोगों का स्मूथ अच्छे से होगा और आप लोग अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे मेरा फोटो स्मूथ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इतना हो जाने वैसे आप लोग क्या करना होगा, ये आप लोग को यहाँ पे बगल में लेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर आप लोग को क्लिक करके एक प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक लेयर को ऐड कर लेना है। ठीक है, और लेयर को ऐड करने के बाद से आप लोग क्या करना है, ब्रशेज को सिलेक्ट करना है और लाइब्रेरी वाला ऑप्शन पे चले जाना है और मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपने लिप्स को ऐसे ड्रॉ करके कलर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके आप लोगों को इसको ब्रशेज कर लेना है। ठीक है, ताकि लिप्स का कलर अच्छे से दिखे और लिप्स का कलर अच्छे से एडजस्ट हो, और इसका कलर थोड़ा डार्कनेस करना है तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ करना होगा। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो इसको मत कीजिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं कर ले रहा हूँ। सेम फ्रेंड्स, आप लोगों को सेम स्टेप फॉलो करना है, और इतना जाना बस आप लोगों को उसी लेयर जो लेयर ऐड किए थे उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और ब्लेंडिंग मोड को क्लिक, इसका ब्लेंडिंग मोड कर लेना है सॉफ्ट लाइट। ठीक है, और इसका ऑपेसिटी है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा कम कर लेना है और इसको मर्ज आल कर देना है। ठीक है,
और इतना हो जाने बस इस फोटो को शेयर कर लेना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने बस आप लोग क्या करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने बस यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कलराइज है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और इसका जो यू है उसको पूरा ग्रीन रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से। और इसको ग्रीन करने के बाद से इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको सिर्फ अपने ये जो पत्ती है इस पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोगों को अप्लाई कर देना है और सेम ऐसी पोज में आप लोगों को फोटो क्लिक कराना है, तभी बेहतर से बेहतर फोटो लगेगा और आप लोग कहीं पे भी पोस्ट करेंगे तो देखने में एकदम अच्छा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल से सैड फोटो है और बिल्कुल से आप लोगों को जैसा है आप लोगों को एडिटिंग करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग इसी टाइप से इसी पोज में आप लोग फोटो क्लिक करके फ़ोन से या फिर DSLR से, तो फिर आप इस टाइप से एडिटिंग कीजिएगा, ठीक है, तभी एडिटिंग करने में मजा आएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगला वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे पोज मार के आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को साथ ही साथ एडिटिंग करके भी सिखाऊंगा उसी फ़ोटो का। और मैं सब कुछ बताता रहूंगा कि मैं कौन सा फ़ोटो कब क्लिक किया हूँ और कैसे क्लिक किया हूँ, क्या क्या करता हूँ तो एक फ़ोटो क्लिक होता है और किस एंगल से फ़ोटो क्लिक होता है, तो ये सब कैमरे को दिखा के और फ़ोन से आप लोग को वीडियो बना के बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बस हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग को इसको ऐसे करके कलर कर लेना है और बाकी के यहाँ पे पार्ट पे आए तो इसको इरेज कर देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग करके यहाँ पे पूरा जो पत्ती होगा उस पर अप्लाई कर देना है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर आप लोग इस टाइप से एडिटिंग करना चाहते हैं तो सेम इसी पोज में आप लोगों को फोटो क्लिक कराना होगा, तभी एडिटिंग करने में मज़ा आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आप लोगों को PNG के कुछ PNG वगैरह है तो उसको भी आप लोगों को एडजस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, लगा के दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि मैं कैसे क्या करके एडिटिंग किया हूँ इस फोटो को। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, मैं जो कुछ भी बताता हूँ वीडियो में एकदम रियली बताता हूँ और वैसा एडिटिंग वगैरह जो भी कुछ भी होता है सेम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे ऐसा एडिटिंग कोई बताता भी नहीं होगा आप लोगों को यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसे ही करके सेम ब्रशेज कर लेना है, ठीक है। और इतना जाना भाई इसको डन कर देना है और उसके बाद से आप लोगों को टूल्स वाला ऑप्शन से क्लिक करना है और एडजस्ट पे क्लिक कर देना है और इसका ब्राइटनेस है उसको कम कर लेना है, ठीक है। और इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो सेलेक्ट लिखा है उस पर आप लोगों को टैप कर देना है और इसको सिर्फ बैकग्राउंड कर देना है, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो इस टाइप से बैकग्राउंड रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना कर देना है और इतना हो जाने बाद से इसको डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिचुएशन को सिलेक्ट करके इसको पूरा ऐसे फुल करना है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लेना है लगभग 75% तक, ठीक है। और इतना हो जाने बाद से यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको इन्वर्ट कर देना है और सिर्फ इसको जो यहाँ पे पत्ती है उस पर ही ऐसे करके यहाँ पे इसको अप्लाई करना है ताकि इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ऐसे करके सेम आप लोगों को अप्लाई कर लेना है, जो कुछ भी बता रहा हूँ सेम आप लोग करेंगे तब भी आप लोग एडिटिंग का मजा ले पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। और इतना देने बाद इसको डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग क्या करना है, यहाँ पे रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने आँख में जो कि आई कलर करना है यानी आई लेंस लगाना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, यहाँ से इसको ऐसे करके अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से आपने अपने अकॉर्डिंग या फिर मैं जो आईज लगा रहा हूँ उसको ही आप लोग लगा लेना है और ऐसे इरेज कर देना है, ठीक है। इरेज होने के बाद से आप लोग का इसका जो कलर है उसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको डन कर लीजिएगा, ठीक है। और डन हो जाने के बाद से आप लोग को फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको फिर से कलराइज पर चले जाना है और इसका यू जो है उसको रेड रखना है, ठीक है। रेड रखने के बाद से इरेज वाला ऑप्शन पे चले जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है और सिर्फ इसको ऐसे आँख में अप्लाई कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके इसको सिर्फ आँख में अप्लाई कर देना है
और यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। और इतना जाने बाद से मैं एक दो PNG का यूज किया हूँ, उसको भी आप लोगों को लगा के दिखा दे रहा हूँ। और सेम आप लोग भी उस सेम जैसे मैं PNG को बैठा रहा हूँ, सेम आप लोगों को भी वैसे ही आप लोगों को बैठाना है अपने फ़ोटो में, ठीक है। फ्रेंड्स यही दो PNG है, इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है, या ये दोनों PNG का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ऐसे एडजस्ट कर लेना है और इसका फिर से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, और इसको आप लोगों को फ्लिप रोटेट है उसको आप लोगों को इधर से रोटेट कर देना है, ठीक है, ऐसे कर देना है। और बिल्कुल से फ्रेंड अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट करके यहाँ से इसको लगा लेना है, और बाकी के पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है उसको इरेज कर देना है, ठीक है, और इसको ऐसे डन कर देना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हो जाने बस आप लोग क्या करना होगा, APNG इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको क्रॉप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोग को इसको यहाँ पे आप लोग जो जो वाला भी अच्छा लगे उसको ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2-3 तरह का PNG दे रहा हूँ, आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिएगा और एडजस्ट करके आप लोग अपने फ़ोटो में लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसका ब्लेंडिंग मोड है उसको आइसक्रीम कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने जो फ़ोटो में है वैसे करके लगा लेना है। तो फ्रेंड्स इसको सॉरी फ्रेंड्स इसको जो स्क्रीन किए हैं इसको लाइटन कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो थोड़ा सा बाकी का पार्ट है इसको इरेज कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है, और फिर से इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है और ऐसे ले जाके अपने आँख में ऐसे कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से बाकी का जो पार्ट है उसको इरेज कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इरेज कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हो जाने के बाद से आप लोगों को कुछ नहीं करना है अपने फ़ोटो में, इसको फिर से आप लोगों को शेयर कर लेना होगा अपने Lightroom एप्लीकेशन में। ये फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है, तो यहाँ तक मेरे वीडियो में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा फ़ोटो आ चुका है Lightroom एप्लीकेशन में, और Lightroom एप्लीकेशन में आ जाने के बाद से आप लोगों को लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसका ब्लैक टोन है उसको थोड़ा सा कम कर लेना है, और उसके बाद से जो वाइटनेस है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेना है, और बगल में कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से मिक्स पे चले जाना है, और फर्स्ट मेरे टोन को सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और UV उसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा प्लस में कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना जाने के बाद से फिर से आप लोग को ऑरेंज टोन को सिलेक्ट करना है और इसका जो सिचुएशन है उसको कम कर लेना है और ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेना है, और इतना जाने के बाद से फिर से बगल में आप लोग को येलो टोन को सिलेक्ट करना है और इसका जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से इसको डन कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को जैसा एडिटिंग बताया था सेम एडिटिंग करके दिखा दिया हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक वीडियो को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे आप लोग इससे भी अच्छा अच्छा एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।